नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अतीक अहमद के चौथे बेटे के खिलाफ भी ठोस साक्ष्य मिले हैं। उसी ने आईफोन की आईडी बनाने में मदद की थी, अपनी मां साइस्ता परवीन के साथ साजिश में शामिल रहा। अतीक अहमद के अधिवक्ता खान सौलत हनीफ के आईफोन के फेस टाइम में इस नाबालिग बेटे की ठाकुर के नाम से आईडी मिली है। इसमें साफ हो गया है कि वह भी अलग आईफोन से इन शूटरों के संपर्क में था। अभी तक धूमनगंज पुलिस ठोस साक्ष्य न होने के कारण उसे आरोपित नहीं किया गया था, लेकिन अब पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में नाबालिग को भी आरोपी बनाने जा रही है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के बाद सभी के लिए आईफोन खरीदे गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के नाबालिग बेटे ने आईफोन के फेस टाइम पर ठाकुर के नाम से अपनी आईडी बनाई थी। उसी ने फेस टाइम के बारे में सभी को जानकारी दी। अतीक के कहने पर नाबालिग बेटे ने सभी को आईफोन की आईडी बनाई और एक रजिस्टर में अंकित भी किया। वह रजिस्टर उसके स्कूल का था। इस रजिस्टर को पुलिस ने अतीक के मुंशी राकेश की निशानदेही पर बीते दिनों बरामद किया था। बरामद रजिस्टर में अतीक समेत सभी शूटरों की आईडी भी दोस्तों लिखी हुई थी। अतीक के इस नाबालिग बेटे को ठाकुर कहलाना पसंद, इसलिए उसने ठाकुर 008icloud.com के नाम से आईफोन पर फेस टाइम आईडी बनाई थी। वहीं अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की फेस टाइम आईडी एडीवीओ 10 थी। इसी तरह अतीक, अशरफ, गुलाम समेत अन्य शूटरों को आईडी बनाकर आईफोन दिया गया था। हनीफ के पास से बरामद आईफोन में इसकी डिटेल मिली और अब दोस्तों पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। अतीक के चौथे बेटे को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के चौथे बेटे पर अब शिकंजा कसने वाला है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और छानबीन कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। अपनी राय कमेंट